शुक्र ज़ारा, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो टिप बताऊंगी, 60 किलो तक वज़न कम सिर्फ कोई वर्जिश नहीं, कोई भी आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है। आपको क्या लगता है कि वर्जिश करते रहोगे तो आपका वज़न कम हो जाएगा? नहीं, डॉक्टर भी कहते हैं कि जब आपका वज़न तब कम होता है जब दुआओं की भी ज़रूरत आपको होती है। देखें, जब कोई मरीज़ बीमार होता है तो डॉक्टर क्यों कहते हैं कि हम इलाज कर रहे हैं तो आप दुआ करें, ठीक है ना? मैं भी ऐसी कहती हूँ, मैं कहती हूँ हम इलाज कर रहे हैं, आप दुआ करें, ठीक है? क्योंकि मैं स्किन स्पेशलिस्ट भी हूँ और जो उनसे मुझे और भी जो उनसे मैंने कोर्स स्टार्ट किए हैं उसके बारे में भी मैं बातें आपसे करती रहा करूँगी। इसके लिए माजरत, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं आपको मज़ीद चाहती हूँ कि अच्छे अच्छे मशवरे दूँ, अच्छी अच्छी टिप्स वगैरह दूँ ताकि वो चीज़ें आप इस्तेमाल करें जो आपके लिए बेहतर हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बाय मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट हो और जल्दी से हम आपके सामने लाइव आ सकें। मुझे बहुत उस दिन सब्री का इंतज़ार है जिस दिन मैं आपके सामने लाइव आके आपको ये सब टिप्स बनाकर भी दिखाऊंगी और आपको उन लोगों से भी मिलाऊंगी जिन्होंने ये इस्तेमाल की और इनको कितना भी अफाका हुआ, ठीक है? 60 किलो तक वज़न आप इस टिप कर सकते हैं। सिर्फ आपने चाय बनानी है। आप रोज़मर्रा पता नहीं कितने कप चाय पीते होंगे, अगर उस चाय के अंदर आप अदरक का पीस डाल दो, अदरक का पेस्ट डालो या पीस डालो, यकीन माने चाय बुरी नहीं लगती, ठीक है? एक टिप्स ये है, आप चाय में चीनी का इस्तेमाल करते हो तो चीनी को अवॉइड करो, आप ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करो। अगर आप चीनी का इस्तेमाल छोड़ते हो, ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करते हो, शक्कर को इस्तेमाल करते हो, आप गुड़ को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? पहले लोग पता है क्यों मोटे नहीं होते थे? पहले लोग गुड़ का इस्तेमाल करते थे, शक्कर का इस्तेमाल करते थे, यकीन माने उनके जिस्म पर ज़रा भी चर्बी नहीं होती थी। ये तो अब 10 साल से ये मसला जो उनसे ज़्यादा फैलने लगा है, अगर हम लोगों ने ये कंट्रोल ना किया तो घर में एक फर्द मोटा तो सारा घर मोटा होता है। तो आप इस चीज़ को कभी ना भूलिएगा। आपने बस ये जो मैंने आपको बताई है, हर चाय के अंदर अदरक का पेस्ट, अदरक की जो उनसा एक टुकड़ा काट कर वो डालें, यकीन माने कि अगर चाय का जायका आपको ना पसंद आए तो आप फिर कहिएगा अदरक वाली चाय पिए, यकीन माने इतना वज़न कम होता है, इतना वज़न कम आपकी सोच है। अदरक की चाय बस आपने पीनी है, अदरक डाल के ही चाय का इस्तेमाल आप करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? अदरक वाली चाय पीनी है और बस। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे बहुत खुशी होगी अगर किसी का वज़न कम होगा। मेरी टिप्स बहुत नायाब है, इनकी कदर जानिएगा। मैं हूँ डॉक्टर ज़ारा, उम्मीद करती हूँ अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। मैं हूं डॉक्टर ज़ारा, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आप तक पहुंच जाए, और इस बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें ताकि जैसे ही वीडियो पोस्ट हो तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, जो भी आपका कोई परेशान दोस्त है या आपका कोई फ्रेंड है आप उसको भी ये वीडियो पोस्ट कर सकते हो ताकि उसकी मदद की जा सके। एक इंसान की मदद करना ऐसे है जैसे पूरी दुनिया के इंसानों की, परेशान हाल लोगों की मदद करना। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचेंगी।